हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू CBSE ऑनलाइन ऑडियो वीडियो लेसन्स। माई सेल्फ सुमन गुप्ता, योर हिंदी टीचर फ्रॉम सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। चिल्ड्रन, टुडे वी विल रिवाइज लेसन नंबर 8 फ्रॉम हिंदी ग्रामर, लेसन नेम सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। इसका अर्थ है सबके लिए नाम। सर्वनाम शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, उससे हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, रिया मेरी बहन है, वह बहुत तेज़ दौड़ती है। आशीष मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। तो रिया और आशीष दोनों के लिए वह का प्रयोग हुआ है। तो लड़का और लड़की दोनों के लिए यहाँ पर समान रूप से वह शब्द का प्रयोग किया गया है जो सर्वनाम है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण, वह लड़का, वह जा रहा है, वह जा रही है। तो लड़के के लिए भी वह और लड़की के लिए भी वह का प्रयोग हुआ है। तो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में ही समान रहते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम लोग, वह, वे, यह, ये, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें। तो सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा उसके बहुवचन रूप भी होते हैं। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, मैं, बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र में लड़की बोल रही है मैं घूमने जा रही हूँ, तो यहाँ पर बोलने वाला अपने लिए सर्वनाम शब्द मैं का प्रयोग कर रहा है, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द है। मध्यम पुरुष, तुम, सुनने वाले के लिए, यहाँ पर लड़का सुन रहा है और उत्तर दे रहा है तुम कहाँ जा रही हो, तो यहाँ पर तुम मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, वह, अन्य सभी के लिए प्रयोग होता है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यहाँ पर देखिए चित्र में बच्चा कह रहा है यह मेरी साइकिल है। यहाँ पर निश्चित किया जा रहा है कि यह साइकिल मेरी है। इसी तरह से दूसरे चित्र में वह मेरी बहन है, यहाँ पर भी निश्चित किया जा रहा है कि यह बहन मेरी है। तो यहाँ पर यह तथा वह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अगला, तीसरा प्रकार सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते तब हम कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं है, प्राणी वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। यहाँ पर देखिए, कोई तुमसे मिलने आया है, निश्चित नहीं है कि कौन है वो व्यक्ति, तो यहाँ पर कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। दूसरे उदाहरण में, कमरे में कुछ रखा है, पता नहीं है क्या रखा है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम का अगला प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। उदाहरण में देखेंगे बच्चों, बाहर कौन आया होगा, यहाँ पर बच्चा खुद से प्रश्न कर रहा है, तो यहाँ पर कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। दूसरे वाक्य पे तुम कहाँ रहती हो, तो यहाँ पर कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। बच्चों, कौन शब्द का प्रयोग किसी प्राणी के लिए तथा क्या शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। अगला जो
प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। यहाँ चित्र में उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है। तो यहाँ पर जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। और दूसरे वाक्य में जिसने मेहनत की उसने फल पाया, तो यहाँ पर जिसने और उसने संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अगला जो प्रकार है सर्वनाम का, छठवां प्रकार, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। उदाहरण देखेंगे बच्चों। माँ, मैं निबंध अपने आप लिखूंगा। यहाँ पर अपने आप निजवाचक सर्वनाम शब्द है। इसी तरह से दूसरे वाक्य में मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, तो यहाँ पर स्वयं शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यहाँ पर अपने आप और स्वयं शब्द। बच्चों, हमने जो पढ़ा, जो दोहराया, उसके मुख्य बिंदु एक बार पुनः हम देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार या भेद होते हैं। मैं, हम, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। यह, वह और उस निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये। कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। यह निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन, क्या, कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। स्वयं, खुद, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, आज हमने पुनः पाठ को दोहराया। आप भी पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।